Hello everyone, welcome to Let's Crack UPSC CSE. This is me, Gaurav Shukla, and I welcome to all of you on India's largest learning platform, Unacademy. Let's crack it. Guys, जो आज का टॉपिक है दैट इज एयर पॉल्यूशन एंड करंट अफेयर्स. इसमें कुछ पोर्शन है जो कि काफी इजी है, सुनने में भी काफी इजी लगता है एयर पॉल्यूशन, बट इसमें कुछ टेक्निकल है जिसपे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, तो उन टेक्निकल पार्ट्स को हम लोग देखेंगे ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए वो कवर हो. और ये टॉपिक जो 2021 में प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में जो दिस ईयर जो पेपर देना चाहते हैं उनके लिए भी काफी यूजफुल होगा. सो आज का मेनू देख लेते हैं गाइस. सबसे पहले पॉल्यूशन का मतलब समझेंगे, उसके टाइप्स को देखेंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स उसको जानेंगे, जो एयर पॉल्यूशन है कौन कौन से मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं वो सब देखेंगे, फ्लाई ऐश एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, फिर उसके बाद कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव है लाइक नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, उन सबको समझने का प्रयास करेंगे. और फिर आपका जो करंट अफेयर्स है, कुछ ऐसे न्यूज में है एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड, कुछ गवर्नमेंट के मेजरमेंट्स है उन सबको देखेंगे, कुछ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसको जानने की कोशिश करेंगे, और फिर लास्ट में हम लोग जो एक एक हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसमें हम लोग गल्फ ऑफ मन्नार को हम लोग आगे की तरफ देखेंगे. सो दिस इज अबाउट मी, अगर आई एम ऑडिबल और नॉट प्लीज टेल मी. ओके, सो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है, कोई भी डाउट्स हो रहा है रिगार्डिंग एनी टॉपिक, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है. इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लेट्स क्रैक यूपीएससी वहां पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको जो टेलीग्राम चैनल मेरा ये है t.me/gshukla10 वहां पर भी आपको सारा पॉइंट्स मिल जाएगा. सो गाइज, यूपीएससी सीएससी इन 10 अनअकैडमी ने ये न्यू ब्रांच चैनल आप लोगों के लिए लॉन्च किया है. ये जो चैनल है इसकी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर आपको क्रिप्स कंसाइज एंड टू द पॉइंट, आपको क्रिप्स सारी चीजें मिलेगी, कंसाइज मिलेगी, टू द पॉइंट मिलेगी विद इन 10 मिनट्स. टोटल जो एक पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक उठाया जाएगा उस टॉपिक के जो सारे मेन पॉइंट्स होंगे दैट विल बी गोइंग टू अ कवर, तो वो आपका यहाँ पर सारा के सारा मेन पॉइंट्स कवर होगा. इसके अलावा आप लोगों की जो अनाउंसमेंट है, 3 मेगा बैचेज है फॉर फुल 1 ईयर प्रिपरेशन, जो 2021 में पेपर देना चाहते हैं उनके लिए ये बैचेज है. आपके लिए बाइलिंगुअल जीएस बैच कोर्स है, उसके अलावा आपको हिंदी जीएस बैच कोर्स है और इंग्लिश जीएस, तो अभी देर नहीं हुआ है, आप लोग इसको ज्वाइन कीजिए. आपको 1 ईयर, आपको मालूम होगा कि प्रिपरेशन थोड़ी लेंथी होती है, तुरंत 6 मंथ to 8 मंथ से भी ज्यादा टाइम अगर आप सिलेक्शन को देखें प्रीलिम्स से लेके एंड तक, तो इट विल टेक अराउंड 1 ईयर. और तो यहाँ पर आपको प्रीलिम्स एंड मेन स्टेट सीरीज है उसकी एनालिसिस होगी, पूरा सिलेबस कवरेज होगा, 24/7 हमारी टीम है जो आपके साथ हमेशा है और आप लोगों के लिए हेल्प के लिए वो हमेशा आपके लिए तैयार है. तो आप लोगों के लिए करना क्या है कि अनअकैडमी जो सब्सक्रिप्शन है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, उसको पहले इंस्टॉल कीजिए. यूपीएससी सीएससी आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलते हैं, आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, राइट. आपको करना क्या है, आपको यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन लेना है 12 मंथ के लिए. ये गाइस बहुत कम अमाउंट है, अगर आप ये लोग जीएस 10 कोड यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, एंड यू हैव टू पे जस्ट 36,000, केवल आपको 36,000 रुपए देने होंगे. और अगर जो स्टूडेंट 2021 या 2022 के लिए जाना चाहता है उनके लिए और बेहतर ऑप्शन है, वो 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन ले, उनको जीएस 10 कोड यूज कीजिए, और सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको पे करना होगा 43,200, तो आपको रिलेटिवली केवल 7,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है. और एक बार पे करने के बाद जितने भी हमारे टॉप मोस्ट टीचर हैं आप सबके साथ वहां पर जुड़ जाते हैं, जितने भी 80+ एजुकेटर्स हैं. ऑलराइट, सो शुरू करते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, जो ये पॉल्यूशन वाला चैप्टर है. इसमें गाइस सबसे पहले पॉल्यूटेंट्स का मतलब आप समझिए, पॉल्यूटेंट्स अगर सिंपल टर्म में बोले कि पॉल्यूटेंट्स क्या है,
तो पॉल्यूटेंट्स वो मटेरियल्स या वो फैक्टर होते हैं जो कि इन्वायरमेंट के किसी भी कंपोनेंट को एडवर्स इफेक्ट में डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्मोक हो गया, जैसे इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल्स हो गए, वहां से डिफरेंट केमिकल्स आते हैं जो रिवर के थ्रू या वाटर के थ्रू रिवर में फ्लो कर जाते हैं, वहां की जो ऑर्गेनिज्म है उनको इफेक्ट डालते हैं, वाटर को गंदा करते हैं, जैसे आपका सीवेज हो गया, हाउसेस हो गया। इन अगेन सेंस जैसे अगर आपका एयर पॉल्यूशन की बात कर लें तो डिफरेंट डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि आपको एयर में जाकर के उनको हार्म करते हैं, उन पर एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। तो सिंपल टर्म में ये एडवर्स इफेक्ट का डिफिनेशन है, आप बोल सकते हैं इसको। उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन पे आते हैं। जो क्लासिफिकेशन है, अलग अलग टाइप से हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग पार्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट के आधार पर क्लासिफाई करना चाहें तो हम इस ढंग से क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे एक आपका एयर पॉल्यूशन हुआ, अगर हम लोग एयर में पॉल्यूशन की बात कर लेंगे तो एयर पॉल्यूशन की बात कर लेंगे। वाटर पॉल्यूशन हो गया, उसी ढंग से अगर लैंड में पॉल्यूटेड है, लैंड पे इन्वायरमेंट जो लैंड कंपोनेंट्स है अगर उस पर एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है वो पॉल्यूटेंट्स, तो लैंड पॉल्यूशन हो गया। तो एक तो ये क्राइटेरिया हुआ। उसी ढंग से हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज इस ढंग से भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। गैसियस पॉल्यूशन हो गया, जैसे आपका सीएफसी हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, एनओएक्स हो गया जो कि आपका ऑटोमोबाइल से मिशन होता है, तो ये गैसियस पॉल्यूशन। फिर आपका डस्ट पॉल्यूशन हो गया, फिर अगेन आपका जैसे थर्मल पॉल्यूशन हो गया, एक एक करके हम लोग इन सारे सबको देखेंगे। नॉइस पॉल्यूशन हो गया, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं उनके थ्रू जो पॉल्यूशन होता है दैट इज रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हो गया। दूसरा एक है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, पॉल्यूशन को हम ओरिजिन के बेस पर भी कर देते हैं, जैसे नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक। जो नेचुरल इटसेल्फ पॉल्यूटेड करता है तो आपका नेचुरल पॉल्यूशन हो गया। जैसे अगर वॉल्केनो का इरप्शन होता है तो आपको मालूम होता है कि ढेर सारी गैसियस होती हैं जो कि आपका एटमॉस्फेयर में फैल जाती है और काफी दिनों तक धुंध बना रहता है, तो एक तरह से वो एयर को पॉल्यूट किया। उसी ढंग के जो एंथ्रोपोजेनिक होते हैं, जो मैन मेड होते हैं आपका, वो तो बहुत ही आपको मालूम होगा, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल हर एक जगह आपको पॉल्यूशन दिख जाएगा जो कि मैन मेड के द्वारा है, राइट। उसी ढंग से हम लोग एक और क्राइटेरिया डिवाइड करने का पॉल्यूशन का, ऑन द बेसिस ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में गाइस क्या है कि दो तरह के पॉल्यूशन है, एक बायोडिग्रेडेबल है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो जो भी हाउस के वेस्टेज होते हैं, जो भी एनिमल एक्सक्रेटा सीवेज वगैरह है, इसको हम लोग डाल देते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन के टर्म में। नॉन बायोडिग्रेडेबल हम लोग पढ़े भी हैं, प्लास्टिक हो गया, डीडी हो गया, डीडीटी हो गया, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इन सबको हम लोग आगे की तरफ देखेंगे, राइट। ये सारे कॉजेज हैं, कॉजेज को हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी तो ये सिंपल जो एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, अर्बनाइजेशन, उसके अलावा आपका जो फॉरेस्ट फायर, रेडियो एक्टिविटी, वोल्केनिक इरप्शन, दीज आर द कॉजेज। आते हैं हम लोग सबसे पहला जो एयर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन को उठाते हैं। तो अगेन एयर पॉल्यूशन ये होता है कि जो भी एटमोसफियर है, एटमॉस्फेयर की जो नेचुरल कंडीशन है, अगर उसमें कोई कंटिमेंट्स आ जाता है जो उसको एडवर्स इफेक्ट डाल देता है, कुछ लंबे टर्म तक अगर उस वहां पर रह जाता है एयर में, एटमॉस्फेयर में, इससे आपका ना ही केवल ह्यूमन हेल्थ बल्कि आपका वेलफेयर, एनिमल, जो भी प्लांट्स लाइफ है, सब पे वो इफेक्ट डालता है। तो इट इज द कॉन्टिमिनेशन ऑफ एयर बाय डिस्चार्ज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। सिंपल टर्म में हम एयर पॉल्यूशन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। एयर पॉल्यूशन शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको रिवाइंड करते रहे जो स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोपोस्फेयर है, तो आपको मालूम होगा कि सबसे नीचे आपका ट्रोपोस्फेयर है, राइट। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में आपका ट्रोपोपॉज आ जाता है। फिर स्ट्रेटोस्फेयर और मेजोस्फेयर है, उसके बीच में आपका स्ट्रेटोपॉज आ जाता है। फिर आपका थर्मोस्फेयर है और मेजो, इसके बीच में मेजोपॉज और फिर आपका थर्मोपॉज, तो ये कंडीशन है। फिर आपका एक्सोस्फेयर, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है आपका एटमॉस्फेयर। तो गाइस यस, 2020 में इंक्लूडेड है वो, हम लोग पूरा इसको कवर करेंगे, एयर पॉल्यूशन और जो करंट अफेयर्स है वो पूरा एकदम शुरू से कर रहे हैं, ताकि इस चैप्टर्स का एयर पॉल्यूशन का जो करंट अफेयर्स है वो भी कंप्लीट हो जाए। तो पूरा आप लोग कवर कीजिए, देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये पूरा हाइट वगैरह है 7 to 16 किलोमीटर है, मतलब 16 किलोमीटर इक्वेटर की तरफ हाइट है, 7 किलोमीटर आपका
पोल की तरफ, किसकी हाइट, जो आपका ट्रोपोस्फेयर है। उसी ढंग से ये स्टेटोस्फेयर हुआ, फिर मेजोस्फेयर की हाइट 80 किलोमीटर, और फर्दर आपका थर्मोस्फेयर है उसकी हाइट 500 किलोमीटर। गाइस जो मोर आपका जो वेदर कंडीशंस की बात होती है, जो वेदर नॉर्मली बात करते हैं, तो ज्यादातर पार्ट जो पॉल्यूटेंट्स की हम बात करते हैं, पॉल्यूशन की, हम लोग ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं। आपका कुछ और भी है जैसे सीएफसी है, उसको हम लोग आगे देखेंगे, वो जहां पर ओजोन लेयर फाइंड आउट है वहां पर वो इफेक्ट डालता है, ओजोन के फॉर्मेशन को कम करता है, तो वो एक दो है जो कि आपका स्ट्रेटोस्फीयर में। बट जब हम लोग मेजर पॉल्यूटेंट्स की बात करते हैं तो किस एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, ट्रोपोस्फीयर की, राइट। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर था। अब एक और कैटेगरी है जो हम लोग एयर पॉल्यूटेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं, वन इज प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड अनदर इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो व्हाट इज द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, तो ऐसे सभी पॉल्यूटेंट्स जो एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली इंजेक्ट होते हैं, ऐसे सारे पॉल्यूटेंट्स जो पॉल्यूटेंट सोर्सेस से डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में इंजेक्ट होते हैं, उनको हम लोग प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स बोल देते हैं। ये आपका जो भी है CO हो गया, CO2 हो गया, SO2 हो गया, ये सारे के सारे आपके डायरेक्ट इंजेक्ट होते हैं। वहीं ऐसे पॉल्यूटेंट जो आपका डायरेक्ट की बजाय, डायरेक्ट इंजेक्ट होने के बजाय एक फेज के थ्रू इंजेक्ट होते हैं या रिएक्शन के थ्रू इंजेक्ट होते हैं, इनडायरेक्टली इंजेक्ट होते हैं, उनको हम लोग सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। अभी हम लोग इन सबको देखेंगे, जैसे आपका पेरोक्सिटिल नाइट्रेट जिसको हम लोग पैन भी बोलते हैं, और उसी ढंग से आपका स्मोक हो गया, दीज आर ऑल द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। वहीं आपका जो ऑक्साइड ऑफ सल्फर हो गया, जो डायरेक्ट आपका इंडस्ट्री से निकलता है, या ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हो गया, CO हो गया, वो आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हो गए। तो जैसे ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, NH3, दीज आर ऑल द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। वही अगर रिएक्शन के थ्रू अगर कन्वर्ट हो रहे हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्ट होके SO3 में आया, तो ये आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हो गया। नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कन्वर्ट हुआ HNO3 में, उसी ढंग से H2SO4, ये सारे आपके हो गए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। ओजोन के बारे में गाइस ये है कि ओजोन तो अगर स्ट्रेटोस्फीयर में वहां बात करें तो वो एक तरह से हम लोगों को, अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, पर जब वो अर्थ, जब अर्थ के सर्फेस पे अगर हम ओजोन की बात करें तो इट इज हार्मफुल, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो ओजोन कैसे हार्मफुल होता है अर्थ के सर्फेस पे, तो ये पॉइंट है। जो मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स हैं वो सारे ये एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, इन सबको हम लोग फटाफट देख लेते हैं, क्वेश्चंस इस पे आते हैं, इसलिए मेन मेन पॉइंट सारे देख लेंगे। जैसे अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर लें, तो एक तरह से ये कलरलेस गैस है। आपका जो कार्बन बेस्ड फ्यूल होता है, जैसे पेट्रोल इंजन हो गई, आप गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, डीजल हो गया, या लकड़ी आप जलाते हैं, तो होता क्या है कि अगर जैसे कार्बन कार्बन पूरा का पूरा अगर बर्न नहीं होता है, इन दैट केस क्या होता है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। उसी ढंग से जैसे आप लकड़ी जलाते हैं, तो लकड़ी से काफी ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, क्योंकि पूरी की पूरी लकड़ी आपकी बर्न नहीं होती है। और ये बेसिकली काम ये करती क्या है कि अगर ये ऑक्सीजन के साथ जब ये शरीर के अंदर एंट्री मार जाती है, तो एक तरह से अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के लिए, जो जितना अमाउंट ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर होना चाहिए, वो उसका स्पेस कम कर देती है, और एक तरह से ऑक्सीजन ब्लड में कम हो जाता है। जब ऑक्सीजन ब्लड में कम हो जाता है, तो इससे क्या होता है, हमको स्लीपी एंड कुछ ड्रेजिंग टाइप की, कंफ्यूज टाइप की कंडीशंस आपको फील होती है। तो एक तो ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर ले, तो जो आपका एंथ्रोपोजेनिक है कार्बन डाइऑक्साइड, वो जैसे आप कोल को बर्न कर रहे हैं, ऑयल हो गया, नेचुरल गैसेस हो गए, ये सारे के सारे आपके कार्बन डाइऑक्साइड है। अच्छा, यहाँ पर जो इमिशन दे रखा है, यहाँ पर कि टोटल CO2 इमिशन कितना है 2017 में, तो आप देख रहे होंगे कि ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो 47% आपका ट्रांसपोर्टेशन आपका CO2 इमिट करता है। इंडस्ट्री से 23% निकलता है, जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उससे 11% होता है, और जो इंपोर्ट हम लोग इलेक्ट्रिसिटी करते हैं उससे 7%। एग्रीकल्चर हो गया, रेसिडेंशियल हो गया, दीज आर ऑल द, मतलब CO2 का एक कैटेगरी है कि कितना कितना परसेंट कहां से CO2 निकलता है। उसी ढंग से एक CFC है गाइस। CFC बेसिकली क्या होता है, जो हम लोग रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, एयर कंडीशन यूज करते हैं, तो उसमें जो गैस यूज होता है दैट इज CFC, वो आपका जब रिलीज हो जाता है तो वो अल्टीमेटली क्या होता है, वो धीरे धीरे राइज होकर स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाता है।
विद द एयर। जब ये गैस स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचता है तो ये क्या करता है, जो ओजोन होती है, अभी हम लोग आगे देखेंगे, इस ओजोन को वो ब्रेक कर देता है, ओजोन को ब्रेक कर देता है, ओजोन लेयर को वो ब्रेक कर देता है। और ओजोन लेयर क्या करती है गैस, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, जो सन से होता है, उससे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनसे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। बट जब वो ओजोन को वो ब्रेक कर देगा, वो मैकेनिज्म हम लोग आगे देखेंगे, तो उससे क्या होगा कि फिर अल्ट्रावायलेट रेड हार्मफुल रे वो एंट्री मार जाती है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में है। उसी ढंग से लेड है, लेड गाइस क्या है कि ये आपको पेट्रोल में भी मिलेगा, डीजल में भी मिलेगा, लेड बैटरीज में भी मिलेगा, पेंट्स में भी मिलेगा, हेयर में भी मिलेगा, ड्राई प्रोडक्ट, ये सारे सारे हर जगह लेड होते हैं। ये बहुत हार्मफुल होते हैं, ये आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, इन सम केसेस कॉजेस कैंसर। गाइस सिर्फ ये लेड पर ही एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया था, तो आप लोग इस क्वेश्चन को फटाफट कमेंट कर दीजिए, मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूं कि लेड इंजेस्टेड और इनहेल्ड इज अ हेल्दी हैजर्ड After the addition of lead to petrol has been banned and still are the source of lead poisoning. तो ये आपको बताना है यहाँ पर कि कहाँ कहाँ पर आपका मतलब ये कौन कौन से sources हैं। तो सिर्फ इसी पर ही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था, तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। सिर्फ lead पर ही यूपीएससी ने पूछा था, ये 2012 का क्वेश्चन है। ओके वरुण डी, एनी अदर वन कोई और आंसर देना चाहे या फिर हम आगे की तरफ बढ़ें। ओके स्नेहा सी, वरुण बी, जेजी ए। गाइज ये अवेयरनेस है, जैसे अभी मैंने लेड बताया कि लेड कहाँ कहाँ पर फाइंड आउट है, अभी मैंने सारे डिस्कस किए थे, राइट। सी श्वेता सी, एनी अदर वन, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके तो हम लोग देख लेते हैं, लेड इज ए कॉमन इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स होता है, राइट। अगर यहां पर ऑप्शन में आप देखें तो पेन एंड पेंसिल है, हेयर ऑयल्स एंड कॉस्मेटिक है, बी आई थिंक दिया आंसर। ओके तो इन सब में आपका लेड है, अगर यहाँ पे ऑप्शन देखें उसमें देखें तो ये सारा मैंने यहाँ पर मेंशन किया था कि इट हैज फाउंड हाई ब्लड लेड लेवल, सम लेड कंपोनेंट्स आर कलरफुल। मेरा ये जो क्वेश्चन देने का ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी चीजें मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, चाहे CO की मैंने बात कर ली, CO2 की बात कर रहा हूं, या जो भी, आपसे क्वेश्चन हमेशा अवेयर रहिए कि क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। तो आपसे लेड के बारे में सिंपल आंसर पूछ लिया तो आप उसका सिंपल आंसर अगर आप ध्यान से इसको पढ़े हुए हैं तो उसको आप दे सकते हैं, राइट। फटाफट आगे बढ़ते हैं हम लोग, आते हैं नेक्स्ट ओजोन पे आते हैं हम लोग। ओजोन क्या है कि इट अकर्स नेचुरली इन द अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। आपको मालूम होगा कि स्ट्रेटोस्फीयर है, वहां अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, वहां पर ओजोन लेयर है, और ये बेसिकली हार्म, ये शील्ड करता है, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है उसको अर्थ पे आने से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जब ये ग्राउंड लेवल पर होता है ओजोन, तो ये हाईली पॉल्यूटेंट होता है। ये आपका जो व्हीकल्स इंडस्ट्रीज होती है वो मेन रीजन होती है ओजोन के इमिशन का। ये बेसिकली ओजोन क्या करता है, आपके आंखों को बर्न करेगा, इचिंग आपको फील होगी, और ये न्यूमोनिया वेनिया तक को वो एक तरह से वो कर देता है, राइट। तो ये आपका ओजोन हुआ। फटाफट एक आपका आता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, NOx। तो गाइस NOx पहले जान लो कि इसका जो मेन कंपोनेंट्स है, जो हम लोग जैसे गाड़ी यूज करते हैं तो पीछे कार्बोरेटर और उसके साथ वो लगा हुआ था है, तो जो आपका पीछे धुआं निकलता है वो एक बहुत बड़ा रीजन होता है NOx के इमिशन का। हाइड्रोकार्बन हो गया या SOx कंपोनेंट्स हो गया, NOx हो गया, HC हो गया, तो ये बहुत बड़ा ये कंपोनेंट्स होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड का।
और इसकी वजह से फिर अभी हम लोग स्मोक को देखेंगे, एसिड रेन को देखेंगे, और साथ ही साथ आपका जो ये चिल्ड्रन पे एक तरह से जो उनकी रिस्पिरेटरी डिजीजेज है उन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। तो फिर उसके बाद एसपीएम आते हैं जो सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर होते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं कि ये ऐसे मैटर होते हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं इन द एयर, वो स्मोक के फॉर्म में हो सकते हैं, डस्ट के फॉर्म में हो सकते हैं, वेपर के फॉर्म में हो सकते हैं, जो हमको विजिबिलिटी रिड्यूस दिखती है। आप देखते होंगे कभी कभी जब बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता होगा, अगर आप दिल्ली में भी होंगे तो दिल्ली में अगर आप देखें तो जैसे कभी कभी क्या होता है, खासकर अगर विंटर सीजन में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा धुंधला विजिबिलिटी कम रहती है, तो पॉल्यूशन या पता चलता है कि दिन भर एक विजिबिलिटी धुंध है। तो ये जो एसपीएम होता है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है, इसकी वजह से होता है। इनकी जो पीएम होती है, जो पर्टिकुलेट मैटर्स होती है, वो माइक्रोन के टर्म में होती है। अगर ये बहुत छोटे पार्टिकल्स अगर आपके सस्पेंडेड है एटमॉस्फेयर में, तो आपके लंग को डैमेज कर सकते हैं, जो आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी है दैट विल बी रिड्यूस्ड। फिर उसके बाद SO2 है, SO2 आपका मेनली जो थर्मल पावर प्लांट से गाइस वहां से आपका SO2 का प्रोडक्शन होता है। वो आपका SO2 जो इस पे भी क्वेश्चन आया, अभी हम लोग आगे देखेंगे, जो आपका एसिड रेन होता है, जो स्मोग होता है, ये इसका मेजर कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड आल्सो कैन लीड टू अ लंग डिजीजेस। अब आते हैं स्मोक पे, आते हैं स्मोक एक इंपॉर्टेंट टर्म है, तो स्मोक के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसने यूज किसने किया था, डॉक्टर एच ए डेस वर्क्स ने यूज किया था। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉग एंड स्मोक। फॉग एंड स्मोक का एक कॉम्बिनेशन होता है, बेसिकली कैसे बनता है ये एक इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से देखेंगे इसका फॉर्मेशन। पहले एक टर्म देख लेते हैं, फोटोकेमिकल स्मोक, जिसको नॉर्मली हम लोग स्मोक बोलते हैं, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एयर पॉल्यूशन। वो कौन सा डिस्क्राइब है, जो कि सनलाइट का इंट्रैक्शन होता है विद सर्टेन केमिकल्स इन द एटमॉस्फेयर। सर्टेन केमिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, उनका जब सनलाइट से इंट्रैक्शन होगा, वो अभी हम लोग कैसे देखेंगे आगे कि कैसे इंट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से ये फोटो केमिकल स्मोक का फॉर्मेशन होता है। जो इसका एक प्राइमरी कंपोनेंट्स माना जाता है फोटो केमिकल स्मोक का, वो होता है ओजोन। एक पॉइंट ये, ओजोन जो स्ट्रेटोस्फेयर में होता है तो वो तो हमको प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, बट जैसे ये ओजोन ग्राउंड पे आता है तो ये हमको एक तरह से हेजार्डस होता है ह्यूमन हेल्थ के। स्मोग की वजह से एक हेजी एयर हो जाता है, आपको डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग की कंडीशंस आपको झेलनी पड़ती है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, फोटोकेमिकल जो स्मोग होता है ये बेसिकली फॉर्म होता है रिएक्शन ऑफ, ये ध्यान देना गाइस, रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx, ओजोन एंड पेराऑक्सीएसिटिल नाइट्रेट, इसको हम लोग शॉर्ट टर्म में पैन बोलते हैं। इनके रिएक्शन से आपका क्या बनता है, इनके रिएक्शन से आपका फोटोकेमिकल स्मोक बनता है। ये एक रिएक्शन है, रिएक्शन में हम थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। रिएक्शन ये है कि सबसे पहले क्या होता है कि जो ऑटोमोबाइल इंजन है, ऑटोमोबाइल इंजन से आपका ये वहां पर रिएक्शन होता है N2 और O2 का, तो वहां से आपका NO। मैंने आपको बताया कि ऑटोमोबाइल जो इंजन होते हैं, जो आपके बाइक्स होते हैं, कार होती है, उनसे आपका क्या होता है, उनसे आपका इमिशन होता है, इमिशन होता है आपका NOx का, तो वहां से NO निकलता है। NO फिर क्या होता है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और NO2 का फॉर्मेशन करता है। जब NO2 गैस फॉर्म हो जाता है, ध्यान देना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब NO2 पे पड़ेगा तो उससे आपका NO और O अलग हो जाएगा, तो ये जो O है ना, ये जो फ्री है आपका O, ये फिर क्या करता है, यही आगे जाकर के कमाल करता है, फिर ये O और O2 बना देता है ओजोन O3, राइट। अब आपका O3 इस NO से रिएक्ट करेगा तो NO2 बनेगा और O2, फिर अगेन जो हाइड्रोकार्बन है, NO है, O2 मिलकर के आपका NO2 और पैन बनाएगा। बेसिक आइडिया सिर्फ इतना है कि आपको इतना रिएक्शन हो सकता है, आपको इतना क्लियर ना हो, बस आप इतना जान लो कि जो NOx वाला कंपोनेंट होता है, जो आपका हाइड्रोकार्बन वाला कंपोनेंट्स होता है, यहां पर मेंशन किया हूं, जो ओजोन होता है, दीज आर ऑल द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फोटोकेमिकल स्मोक। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फोटोकेमिकल स्मोक कैसे बनता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चन है, अभी हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। अच्छा, पैन का एक और है कि दिस कॉजेज इरिटेशन इन आईज एंड नोज।
जब पैन क्या करती है, नॉर्मली कि आपका आंखों में इरिटेशन फील होगा, थ्रोट में, गले में आपको प्रॉब्लम आएगी, रेस्पिरेटरी आपका जो सिस्टम है उसमें सारी की सारी ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो गाइस हमको क्या इसका हार्मफुल है, तो ये केवल आपको ह्यूमन को ही हार्मफुल नहीं करता, ये इवन डिस्ट्रॉय कर देता है जो आपका प्लांट्स है, प्लांट के डेवलपमेंट्स को ये डिस्ट्रॉय कर देता है। पैन डिस्ट्रॉय क्लोरोप्लास्ट लीडिंग टू लॉस ऑफ द कैपेसिटी ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड डेवलपमेंट प्लांट्स। ये आपका जो माइक्रोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल है उसको भी इफेक्ट डालता है, पूरी की पूरी एंजाइम सिस्टम को ये इफेक्ट डालता है। तो समझ सकते हैं कि पैन कितना हार्मफुल है। और पैन जब कंबाइंस कर लेता है आपका एयर एंड ऑक्सीजन से, तो उससे आपका स्मोक का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे विजिबिलिटी है गाइज, विजिबिलिटी जिससे डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू एक्सेसिव स्मोक फॉर्मेशन। ये कुछ पॉइंट थे पैन के जो कि इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली आपको मिलता नहीं है। इसी पे एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, हालांकि ये पुराना क्वेश्चन है बट यूपीएससी कभी भी फिर से पूछ सकती है। क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ देता हूं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो क्लास अभी लास्ट में मैं बता दूंगा, जी शुक्ला जो 10 है वहां पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप मेरे चैनल वहां से भी मिल जाएगा, जो अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है वहां पे भी पीडीएफ मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट पीडीएफ। मेन है क्वेश्चन आप कीजिए। ओके, अलग अलग आंसर दे रहे हैं, इसीलिए मैं रिएक्शन बताया। मेरा रिएक्शन बताने का ऐसा पर्पस नहीं था, कोई डराने का पर्पस नहीं था, मेरा रिएक्शन बताने का मतलब है, देखो साइंस बैकग्राउंड वालों को तो आसान था बट जो नॉन साइंस है उनको भी समझना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन देखो इन्होंने जो पूछ लिया है वो पूछा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक के फॉर्मेशन के टाइम पर क्या आपका फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर आप देखें, जब ये पैन आपका फॉर्मेशन हुआ फोटोकेमिकल स्मोक, या बिल्कुल लास्ट में जाइए, बिल्कुल नीचे जाइए पैन, तो इसके साथ आपका क्या अटैच है, NO2। तो आपका जब फोटोकेमिकल स्मोक का फॉर्मेशन हुआ तो ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है इसका भी इसके साथ प्रोड्यूस होता है, ये क्वेश्चन था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। और यहां पर क्या क्या चीज है आप देख रहे होंगे, NOX है, इसका यूज हुआ आपका, आपका जो HC है, NO है, O2 हो गया, मतलब जो ओजोन है, इन सब का यूज होकर के आपका पैन है NO2 हुआ। तो इसलिए मैंने आपको रिएक्शन बताया, ये क्वेश्चन पूछा है, मैं भी आपसे दोबारा पूछ सकता है कि जब आपका पैन बना तो पैन के साथ आपका और क्या फॉर्मेशन हुआ, राइट। एक और क्वेश्चन था जो कि देखो 2013 का क्वेश्चन है, इसको मैं पढ़ देता हूं कि फोटोकेमिकल स्मोक इज अ रिजल्टेंट ऑफ द रिएक्शन एमंग ISP 2013, ये वहां पर लिखा हुआ। तो इस क्वेश्चन को फटाफट आंसर दीजिए।
फटाफट आंसर दीजिए, जो आप लोग को सही लग रहा है उसका आंसर बताइए। ओके ओके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो देखो गाइस, आपको कंफ्यूजन कंफ्यूज नहीं हो रहा, ये फोटोकेमिकल स्मोक की बात कर रहा है, ये पैन के फॉर्मेशन की नहीं बात कर रहा है, फोटोकेमिकल स्मोक की फॉर्मेशन की बात कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर ए होगा। आपको मैंने एकदम शुरू में बताया था कि फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ पॉल्यूटेंट्स दैट आर फॉर्म व्हेन नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन एंड पेरा ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, जो पैन होता है वो रिएक्ट होता है सनलाइट से, तो उससे आपका फोटोकेमिकल स्मोक बनता है। एकदम शुरू में मैंने आपको बताया था, जो पिछला क्वेश्चन था वो आपका ये पूछा था कि जो पैन होता है पैन के प्रोडक्शन के साथ साथ कौन सा दूसरा प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। कम टू अ पार्टिकुलेट्स, पार्टिकुलेट्स इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लेके आया हूं। पार्टिकुलेट्स क्या होता है, इट इज ए स्मॉल पीस ऑफ सॉलिड मटेरियल जो कि एटमॉस्फेयर में डिस्पर्ड हो जाते हैं, कुछ भी जैसे स्मोक पार्टिकल होती है। आप अगर देखिए जैसे सिगरेट है, सिगरेट से मान लीजिए कुछ पार्टिकल्स आपका उससे बर्न होकर निकला, या अगर कहीं पर कुछ भी जल रहा है वहां से कोई चीजें ऐश के फॉर्म में बाहर निकला, तो वो सारे के सारे पार्टिकुलेट्स में आ जाते हैं, सारे के सारे पार्टिकुलेट्स में इंक्लूडेड हो जाते हैं। यहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकुलेट्स है, मैं इसमें एक दो आपको बताता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले एरोसॉल, जो बहुत लोग पूछते हैं कि व्हाट इज एरोसॉल, तो कोई भी पार्टिकल्स है अगर वो जनरली सस्पेंडेड है इन एयर, अगर कोई भी पार्टिकल अगर जनरली सस्पेंडेड है इन एयर तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं एरोसॉल। पहली चीज तो ये है। जब मिस्ट की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एरोसॉल में जो भी पार्टिकल्स है उसके साथ साथ आपका लिक्विड ड्रॉपलेट्स भी होता है, तो उसको हम लोग मिस्ट बोल देते हैं पार्टिकुलेट्स में। डस्ट एक होता है, डस्ट एरोसॉल, जैसे डस्ट स्टॉर्म आता है राइट, जब सॉलिड पार्टिकल्स भी रहते हैं तो उसको हम लोग डस्ट पार्टिकुलेट्स बोल देते हैं। ये अलग अलग डिफिनीशंस है यहाँ पर, इसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर एक स्मोग है, स्मोक क्या होता है कि ये स्मोक जो स्मोकिंग और फॉग इसका एक मिक्सचर होता है। स्मोक क्या होता है कि इट इज अ सॉलिड पार्टिकल्स या मिक्स ऑफ सॉलिड सिगरेट, तो ये एक तरह से केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन हो करके आपको एज ए गार्बेज एज ए फायर के रूप में बाहर निकलता है। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ पार्टिकुलेट्स हो गए, ये सारे मैंने लिख दिए आपको कंफ्यूजन ना हो, ताकि आप इसको बाद में अच्छे से देख लीजिएगा राइट। एक क्वेश्चन आपका सिगरेट पे ही क्वेश्चन आ गया था, तो ये क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं अभी। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आया हुआ था बट मुझे सही लगा तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है, तो आप लोग इसका फटाफट आंसर दे दीजिए कि सिगरेट स्मोक क्या रखता है। ओके बी ए ए ओके देखो गाइस, इसका आंसर है बेसिकली सी। क्या होता है ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड तो सबको मालूम है होता ही है, पर मेजर कंपोनेंट्स में आपका बेंजीन आता है, निकोटीन भी होता है बट बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है। तो सिगरेट स्मोक कॉन्टेंट्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, आर्सेनिक, फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजीन इत्यादि। इट आल्सो कंटेन निकोटीन इन माइन्यूट क्वांटिटी, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में आपको सिगरेट भी वो भी मिल जाएगा। ये सारे इफेक्ट है स्मोक का। सबसे बड़ा इफेक्ट तो आपको विजिबिलिटी पता ही है, सांस लेने में दिक्कत आती है और डेथ तक हो जाती है अगर किसी को मतलब ब्रोंकियल डिजीज उस टर्म में डेथ हो जाती है। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है कि चूंकि अब सन रेस कम आ पाती है तो जो नेचुरल विटामिन डी प्रोडक्शन है वो घट जाता है, दैट आल्सो लीड टू अ कॉजेज ऑफ रिकेट्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था द इफेक्ट ऑफ स्मोक, इसको हम लोगों ने देख लिया। अब फटाफट आते हैं टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। कुछ टाइप्स है
जो कि आपका एनसीईआरटी में दिया है, कहीं पे दिया हुआ था, मैंने उसको उठाया है साइंस के पार्ट से, कि थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से मैकेनिज्म है। तो मैं ज्यादा नहीं, दो एक मैकेनिज्म है, एक है आपका फिल्टर होता है, स्पेशल फिल्टर होता है, राइट, उसको हम लोग देख लेते हैं। स्पेशल फिल्टर पहले तो जान लो ये यूज किया जाता है जब पार्टिकुलेट्स की जो डायमीटर है जो 50 माइक्रोमीटर से कम होती है, ऐसे पार्टिकुलेट्स के लिए ये आपका बैक फिल्टर यूज होता है, राइट, इससे कम होती है उस इन दैट केस में 50 माइक्रो से कम होगी तो हम ये यूज करते हैं। इसमें सेपरेट पर्टिकुलर पार्टिकल्स होता है, उसमें स्मोक को एक तरह से मिक्स किया जाता है और फाइनली उसको अलग करते हैं। दूसरा एक है जो इसको थोड़ा सा और मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, साइक्लोन सेपरेटर या साइक्लोन कलेक्टर भी बोलते हैं, एंड वेब स्क्रैबर है। इसमें क्या होता है कि जब 50 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोन से उससे जब ज्यादा अगर पार्टिकल की लेंथ है तो उस लिए हम लोग इसको साइक्लोन सेपरेटर को यूज करते हैं। आप यहाँ पर देखें तो ये पॉल्यूटेंट्स एयर है, इसको यहाँ के थ्रू अंडर डाला जाता है, एक साइक्लोन टाइप की आपकी एक तरह से स्पाइरल ट्वेल किया जाता है, और उसके साथ क्या होता है कि जो एक्यूमुलेटर जो पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं वो इधर की तरफ से नीचे आ जाते हैं और आपको फ्रेश प्योर एयर यहाँ से मिल जाता है। तो ये है आपका साइक्लोन सेपरेटर्स। तो एक ये टर्म मैंने बता दिया कि कौन कौन से सेपरेटर्स किस लिए एयर पॉल्यूशन के कंट्रोल में यूज होते हैं, ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, एक और टर्म इसके साथ यहाँ पर यूज होता है, एक टर्म यूज होता है बायो इंडिकेटर्स। आपसे पूछा जा सकता है कि बायो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो ये बेसिकली रिस्पॉन्ड करते हैं, बायो इंडिकेटर्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म That respond in a specially clear way to change in the environment. Environment में जैसे change हो रहा है उस हिसाब से ये respond करते हैं bio indicators. जैसे lichens की बात कर लें तो वो air pollution के बहुत ज्यादा sensitive होते हैं। Lichen क्या होते हैं? Air pollution के बहुत ज्यादा sensitive होते हैं, तो वो क्या होते हैं, शहर के पास आपको जल्दी lichens आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये पॉइंट है, तो lichens आर द यूजफुल बायो इंडिकेटर्स। पूछ सकता है कि जो एयर पॉल्यूशन का जो बायो इंडिकेटर्स कौन, तो lichens हो गया, उसको स्पेशली जो सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन है उससे उसको प्रॉब्लम होती है। तो ये पॉइंट एक बायो इंडिकेटर्स इसके साथ था जो हमने किया। अब एक और इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं गाइस, फ्लाई ऐश। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्लाई ऐश। तो फ्लाई ऐश होता क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछा है, इस पे गवर्नमेंट ने कुछ नए चेंजेस किए हैं, वो सब भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फ्लाई ऐश क्या है। इट इज अ फाइन पाउडर विच इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ बर्निंग कोल इन थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स में जब कोल की बर्निंग होती है तो एक तरह से फाइन पाउडर्स जो निकलता है वो आपका निकलता है उसको फ्लाई ऐश बोलते हैं। इसका एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे आपने कोई चीज जलाई तो जलाने के बाद जो चीजें आपकी बची दैट इज आपका फ्लाई ऐश हो गया। एक ये पार्ट हुआ। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम देखेंगे, इंडिया के टर्म में हम बात करते हैं, इंडिया के टर्म में बात करते हैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिसेंटली क्या हुआ है कि नेशनल जो ग्रीन ट्राइब्यूनल है उन्होंने डायरेक्ट दिया है कि थर्मल पावर प्लांट्स को कुछ स्टेप ले ताकि साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ फ्लाई ऐश कर सके। तो फ्लाई ऐश का साइंटिफिक डिस्पोजल के लिए बोला, फ्लाई ऐश के कुछ फायदे नुकसान भी है वो हम लोग आगे देखेंगे। इंडिया के कंसर्न में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, जो इंडियन कोल है ना, प्रॉब्लम क्या है ना कि इंडियन कोल जो है वो लो ग्रेड होती है, मोस्टली जो यूज होती है लो ग्रेड इंडियन कोल यूज होती है जो आपकी इंडस्ट्री में, तो उसमें ऐश कंटेनेंट बहुत ज्यादा होता है, 30-45% होता है ऐश कंटेनेंट होता है, मतलब अगर वो जब जलेगा तो जो ऐश कंटेनेंट आएगा बहुत ज्यादा आएगा। और कुछ जो इंपोर्टेड कोल्स होती है जो बाहर से लाती है, जो अच्छे क्वालिटी की कोल्स होती है, उसमें ऐश कंटेनेंट कम होता है। तो प्रॉब्लम यही आती है खासकर इंडिया के टर्म में कि लार्ज जो क्वांटिटी ऑफ ऐश जनरेटेड होती है जो आपका लिग्नाइट बेस्ड थर्मल बेस्ड पावर प्लांट है। तो अगर इंडिया में ओवरऑल की बात कर लें तो फ्लाई ऐश जनरेशन है टोटल 217.04 मिलियन टन, और उसमें से 17.59 आपका यूटिलाइज हो जाता है 2089 में। वो हम देखेंगे कैसे यूटिलाइज होता है। कुछ मेथड है साइंटिफिक डिस्पोजल का, एक होता है ड्राई फ्लाई ऐश डिस्पोजल सिस्टम, उसमें क्या करते हैं कि हम ट्रक के थ्रू उसको भर कर ले जाएंगे ड्राई फ्लाई ऐश को, और जाके एक पर्टिकुलर जगह पर उसको हम लोग क्या कर देंगे, डिस्पोज कर देंगे,
लाइक कंस्ट्रक्टिंग ए ड्राई एम्बैकमेंट। वही वेट में क्या होता है, वेट को हम लोग पॉन्ड या उसके नीचे डंप करते हैं, उसमें क्या करते हैं उसको एक तरह से हम वाटर में मिक्स करके स्लरी बना के उसको डंप कर देते हैं। तो ये कुछ मेथड है, एक ये पॉइंट हुआ। इसके फायदे नुकसान है ये हम लोग देख लेते हैं। इसके नुकसान में एक बहुत बड़ा नुकसान पहले देख लेते हैं कि रेस्पिरेटरी जो आपका सिस्टम है, अगर आपका ये उसमें दिक्कत डालती है, फ्लाई एश उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत डालती है, एयर क्वालिटी को रिड्यूस करती है, इवन जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, क्योंकि क्या होता है कि जो प्लांट्स की लीव होती है उस पर वो जाकर के, प्लांट्स की लीव पर उस पर जाकर के वो जम जाती है, तो इससे फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को भी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, इसका बेनिफिट्स कुछ बहुत बेनिफिट्स है। एक बेनिफिट्स है कि सॉयल की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इंक्रीज कर देती है। अगर सॉयल के नीचे डंप है तो उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इंक्रीज कर देगी, तो इससे क्या होगा कि प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स बढ़ जाता है, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स से इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन इस पे है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो ब्रिक्स बनते हैं ना, अगर फ्लाई ऐश का यूज करके हम लोग ब्रिक्स बनाए, जो ये ईट होती है, तो वो लाइट इन वेट होती है और ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, ज्यादा मजबूत होती है। इसके अलावा लैंडफिल वगैरह उसमें हम लोग इसका यूज कर देते हैं। इन्वायरमेंटल इफेक्ट मैंने बता ही दिया कि रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स होती है, जो आपका प्लांट्स होती है उनकी यील्ड को इफेक्ट डालती है। अब गाइज इसी पर एक क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी में 2015 में क्वेश्चन पूछा है, तो आप लोग इसको जरूर कीजिए। अच्छा, इसमें एक कंपोनेंट से और बता देते हैं, कंपोजिशन जो देख लेते हैं फ्लाई ऐश का। एक इंपॉर्टेंट है कि फ्लाई ऐश इंक्लूड सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ ऑक्साइड ऑफ सिलिका, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, एलिमेंट्स लाइक आर्सेनिक, बोरान, क्रोमियम, लीड, ईटीसी आर आल्सो फाउंड इन द ट्रेस कंसेंट्रेशन। तो कंपोजिशन भी जानते रहो फ्लाई ऐश में, इसमें आपका जो ऑक्साइड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट वो भी सारे इंक्लूड होते हैं, सिलिका एंड अदर थिंग्स वो सारी चीजें इंक्लूड होती है। इस पे एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने 2015 में, तो वो क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ कि कंसर्निंग फ्लाई ऐश प्रोड्यूस बाय द पावर प्लांट्स यूजिंग कोल एज ए फ्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फ्लाई ऐश के प्रोड्यूस से कौन कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट है, ये तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उस पे आप लोगों को आंसर देना है। तो इसका आंसर बताइए, ये 2015 का क्वेश्चन है। ओके, सी सी सी, ओके, एनी अदर वन? गाइस ये क्वेश्चन के साथ एक चीज आज हम लोग और सीखेंगे, वो क्या सीखेंगे, वो यूपीएससी के प्रीलिम सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये सीखेंगे कि जब भी आप स्टेटमेंट पढ़ो ना, तो स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ा करो, उसमें कोई ऐसा टर्म तो नहीं यूज किया या ऐसा कोई वर्ड तो नहीं यूज किया जो कि एब्सोल्यूट टर्म में हो, उसको हम लोग देखेंगे। ज्यादातर लोगों ने क्वेश्चन में सी या डी बता रहे हैं, उसको हम लोग देखते हैं। स्टेटमेंट्स आप लोग ध्यान से जरूर पढ़िए, थोड़ा सा और मौका दे देते हैं आपको। मोस्ट ऑफ देम सी डी चल रहा है, कोई ए बी वाला नहीं दिख रहा है इसमें, एनी अदर वन? ओके, चलो देखते हैं। गाइस मैंने आपको क्या बताया कि यूपीएससी के एक रूल्स आज से तुम आप लोग नोट कर लो कि कहीं पर जैसे एब्सोल्यूट वर्ड आए, ओनली वर्ड आए,
राइट ऑल वर्ड आए या फिर कुछ और एब्सोल्यूट वर्ड आ जाए, ठीक है, वो एब्सोल्यूट वर्ड आप क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे आपको मिलेगा, तो आपका तुरंत जो कान है तुरंत खड़े हो जाना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस देखा गया है, अगर आपको पता है वो स्टेटमेंट्स तो आपको अगर याद है अच्छे से तब तो वो सही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम केसेस देखा गया है कि अगर इस ढंग का स्टेटमेंट है तो कुछ हो सकता है उसमें चांसेस गलत हो, जैसे नन अगर वर्ड कहीं पे यूज हो जा रहा है, ओनली वर्ड यूज हो जा रहा है, या इस ढंग के वर्ड है। आप अगर इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट नंबर थर्ड में जाइए तो फ्लाई ऐश के कंपोजिशन की बात की है कि फ्लाई ऐश इज मेड ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड ओनली। आप खुद सोचिए ना कि क्या अभी हमने कंपोजिशन आपको बताया उसमें केवल यही क्या दो कंपोजिशन है, उसमें तो ढेर सारे कंपोजिशन है, और ये भी बोल रहा है कि डज नॉट कंटेन एनी टॉक्सिक एलिमेंट्स, अभी मैंने आपको आर्सेनिक एंड अदर थिंग्स बताया। तो जब भी जैसे ओनली वर्ड आए, ये सब वर्ड आए ना, तो आपको तुरंत एक बार अलर्ट हो जाएगा, ये अलर्ट आपको अभी से अंदर से डालनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में उनका सिलेक्शन उन्हीं का होता है, प्रीलिम्स खासकर क्रैक होता है जब उन लोग की ये मेंटल रूप से अलर्ट हो जाते हैं। आपको एग्जामिनेशन हॉल में अलर्ट रहना है, आपको बहुत मिलेंगे, आपको इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस में ये मिलेगा, पॉलिटी के क्वेश्चंस में आपको दिख जाएगा, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में आपको दिख जाएगा, इवन कुछ जगह करंट अफेयर्स स्कीम वगैरह में भी दिखेगा। तो आपको ये माइंड मेकअप करके रखना है कि कहीं पर अगर ओनली आ रहा है, नन आ रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि हमेशा वो स्टेटमेंट गलत होगा, बट उसके चांसेस हैं कि गलत हो सकता है, तो अगर आप अटेंटिव रहेंगे, थोड़ा अटेंशन देंगे, तो देन यू विल डेफिनेटली करेक्ट द आंसर। तो यहां पर अगर थर्ड स्टेटमेंट को आप हटा दे तो ऑलरेडी ये स्टेटमेंट घट गया, ये स्टेटमेंट घट गया। अब जो पहला स्टेटमेंट है, फ्लाई ऐश कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो ये गाइज अभी जस्ट मैंने बताया था, तो फर्स्ट तो सही है ही, तो ऑप्शन में फर्स्ट एंड टू ये यही है। आपको अगर सेकेंड के बारे में न भी पता हो तो भी आप कर सकते थे, हालांकि फ्लाई ऐश कैन बी एक तरह से वो पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट का भी काम करता है। तो गाइज ये क्वेश्चन था, आंसर ए। अब आते हैं थोड़ा सा करंट पे आ जाते हैं। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने जो नोटिफिकेशन दी 2099 में, उन्होंने क्या किया कि कुछ उन्होंने मैंडेटरी बनाई कि फ्लाई ऐश बेस्ड प्रोडक्ट इन ऑल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, जो भी रोड आप बन रहा है, कोई भी कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट बन रहा है, उसमें फ्लाई ऐश का डालना जरूरी है, ठीक है। और जो लैंड फिलिंग वर्क है विद इन 100 किलोमीटर रेडियस ऑफ थर्मल पावर स्टेशन, मैंने बताया कि जो डिस्पोजल करते हैं, एक ड्राई डिस्पोजल करते हैं और एक आपका डिस्पोजल करते हैं जो आपका वेट डिस्पोजल करते हैं, तो जो हम डिस्पोजल करने जाएंगे, जब हम कहीं किसी पर्टिकुलर जगह पे डिस्पोजल करेंगे, तो उसका उन्होंने कुछ क्राइटेरिया बनाया था कि विद इन 100 किलोमीटर रेडियस ऑफ थर्मल प्लांट्स, और टू यूज फ्लाई ऐश इन माइन फिलिंग एक्टिविटी विद इन 50 किलोमीटर रेडियस ऑफ थर्मल पावर स्टार। ये 2009 का सिचुएशन है, 2009 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट में वो किया। अच्छा, 2000 थोड़ा सा फिर चेंजेज हुए, डिफरेंट नोटिफिकेशन आई अलग अलग समय पे, 2003 2009, फिर 2016 की बात आई, उन्होंने बोला कि ये जो ज्यूरिडिक्शन का अभी तक 100 किलोमीटर था उसको बढ़ा के 300 किलोमीटर कर दिया गया, उसको बढ़ा करके 300 किलोमीटर कर दिया गया, और जो कॉस्ट है, जो ये कॉस्ट है आपका लैंड फिलिंग का, ये एक तरह से जो यूजर्स है और आपका जो टीपीएस है, मतलब जो थर्मल पावर स्टेशन है, दोनों में वो शेयर होगा, राइट। ये पॉइंट था। फिर 2017 में थोड़ा सा इन्होंने और कुछ टारगेट रखा, उन्होंने टारगेट ये रखा कि मैंडेटरी यूज कर दिया कि जितने भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो गई, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी होगी, हर एक जगह फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन का टारगेट रखा कि इतना भाई आपको फ्लाई ऐश वहां पर यूज करना है। रोड आपको मालूम है कि सॉलिड होता है तो एक तरह से वो आपका सस्ता टिकाऊ आपका बढ़िया कंस्ट्रक्शन का आपका रोड होगा। इसके अलावा उन्होंने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है ऐश मैनेजमेंट के लिए, ऐश ट्रैक है, और वो एक तरह से जो ऐश का यूजर्स है, भाई पावर प्लांट से ऐश निकला, अब वो ऐश क्या होगा कि वो डिफरेंट जैसे रोड कंस्ट्रक्शन वाली कंपनियों उसका यूज करेंगी, तो ऐश ट्रैक एक हेल्प किया कि ताकि वो लोग उसको वॉच कर सके, वो कर सके उसके यूज करने के लिए। इसी में एक हल्का सा क्वेश्चन बन जाता है कि फर्स्ट कौन सा स्टेट है,
महाराष्ट्र बिकम फर्स्ट स्टेट टू एडॉप्ट फ्लाई एश यूटिलाइजेशन पॉलिसी इन 2016। तो फ्लाई एश यूटिलाइजेशन पॉलिसी आई 2016 में, उसमें थोड़ा सा ज्यूरिडिक्शन चेंज हुआ। इसमें केवल थर्मल जो पावर प्लांट पावर स्टेशन हैं और जो आपका यूजर्स है उन दोनों पे शेयर करने की बात हुई, जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात हुई। फिर आपका फर्दर थोड़ा चेंजेज हुआ, एश ट्रैक आया, महाराष्ट्र बिकम द फर्स्ट स्टेट टू एडॉप्ट फ्लाई एश यूटिलाइजेशन पॉलिसी इन 2015। तो ये सारे पॉइंट है। आगे आते हैं हम लोग कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स पे आते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि गवर्नमेंट ने एयर क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए क्या किया। इसमें आपके अभी कुछ करंट के आएंगे, वो इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो जैसे कुछ फेमस इनिशिएटिव है, उसमें एक आता है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स हो गया, राइट। एक आता है नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम हो गया। उन सबको देखेंगे आगे चल करके, और इसके अलावा कुछ और भी देखेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एयर पॉल्यूशन की सिचुएशन देख ले। तो WHO क्या बोलता है, WHO बोलता है कि इंडिया एयर पॉल्यूशन। गाइस एक चीज और ध्यान देना, COVID-19 के बाद तो अब काफी हद तक सिचुएशन चेंज हुई है एयर पॉल्यूशन की, COVID-19 तो अब वो नहीं है। पूरे केवल इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में वो चीजें चेंज हुई है, तो वो अलग मैटर है। बट ये बिफोर कोविड की बात है कि WHO ने बोला, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कि इंडिया से एयर पॉल्यूशन रैंक अमंग द वर्स्ट टू द वर्ल्ड, इट एडवर्सली इंपैक्टिंग द लाइफ स्पेन ऑफ इट्स सिटीजन। और जो लिविंग है वो 3 ईयर रिड्यूस कर दिया है नॉर्मली लोगों का। ऑफ द वर्ल्ड टॉप 20 पॉल्यूटेड सिटी में, उसमें 13 जो 13 है वो आपका इंडिया में है। ये कुछ पॉइंट्स है आपका मेंस में, आप ये सारे पॉइंट्स आप कोट कर सकते हो, लिख सकते हो, इसीलिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ। आपका नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स पे आते हैं, इट वॉज लॉन्च्ड इन 17 सितंबर 2014। इस पे क्वेश्चन पूछ रखा है UPSC ने और पूछता रहता है अलग अलग फॉर्म में। 2014 में नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च हुआ, राइट, अंडर द स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान के उसमें लॉन्च हुआ द देन एनवायरमेंट मिनिस्टर। इसमें 8 पॉल्यूटेंट्स है गाइस। ये पॉल्यूटेंट्स पे क्वेश्चन UPSC ने पूछा था, उसमें आपका PM10 है। एक PM10 मतलब जो पर्टिकुलेट जो मैटर्स होते हैं, पर्टिकुलेट्स मैटर उसकी साइज बताती है, 10 थोड़ी बड़ी साइज हो गई। PM2.5 जो माइक्रोन साइज है, वो एक दूसरा पॉल्यूटेंट हुआ। तीसरा एक आपका NO2 हुआ, चौथा SO2 हुआ, पांचवा CO हुआ, छठा आपका ये ओजोन हुआ, सातवां आपका अमोनिया हुआ, आठवां आपका लेड हुआ। तो गाइस जो आपका जो 8 पॉल्यूटेंट्स है, आप देखो इसको याद कैसे करेंगे, इसके दो तरीके हैं। एक तो आप ऐसे याद कर लो कि हाँ ये 8 पॉल्यूटेंट्स है। दूसरा गाइस थोड़ा सा आप ध्यान दो कि हम लोग पॉल्यूटेंट्स में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स भी हैं, जैसे एक कंपोनेंट है CO2। आपको अगर सिर्फ इतना पता हो कि CO2 तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में नहीं आता, CO2 को नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में नहीं रखा गया है, अगर आपको ये चीज पता हो तो क्या होगा, तो आप एग्जाम में वो क्वेश्चन सही कर लेते हो। वो जिस समय क्वेश्चन आया था आपको सिर्फ इतना पता होता कि CO2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो आप वो क्वेश्चन सही कर लेते भले ही आपको ये सारे याद नहीं होते। तो मेरा काम है आपको तरीके बताना। तो अब इसमें क्या है कि ये तो 8 पॉल्यूटेंट्स हो गए, इसमें 6 कैटेगरी बनाई गई, 6 कैटेगरी अलग अलग बनाई गई। उसमें गुड कैटेगरी थी, सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब कि किसी पर्टिकुलर जगह का, किसी पर्टिकुलर सिटी की एयर क्वालिटी कैसी है। तो गुड में रखा गया, सेटिस्फैक्ट्री में रखा गया, मॉडरेट में रखने की बात आई, पुअर में वेरी पुअर एंड सीवियर। तो ये कैटेगरी है, इसमें आप देख रहे होंगे, इस कैटेगरी में अगर आप जाएं तो एक तरफ आपको ये है गुड है, सेटिस्फैक्ट्री है, मॉडरेटरी पॉल्यूटेड है, पुअर है, वेरी पुअर है, सीवियर है। तो आपकी 6 कैटेगरी हो गई, एयर क्वालिटी कैटेगरी हो गई, एक ये पॉइंट हुआ। दूसरा गाइस अगर आप इधर की तरफ जाए, PM10, PM2.5, NO2, O3, CO, SO2, NS3, ये आपका हो गया एयर क्वालिटी इंडेक्स में, ये सारी कैटेगरी हो गई। दूसरा आप गाइस इसका कलर भी देख रहे होंगे, जो गुड है उसका कुछ इस प्योर ग्रीन कलर की बात है, फिर आपका जैसे मॉडरेटरी पॉल्यूटेड है येलो इस कलर हो गया, फिर आपका जैसे वेरी पुअर आपका रेड, और उसके अलावा पूरी तरह से एकदम डार्क रेड। तो इस ढंग से आपका कलर भी है। तो ये एक मेरा बताने का वो था कि इस ढंग से कैटेगरी में ये डिवाइड किया गया है।
उसके बाद एक और आता है गाइस, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किया अंडर द कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन स्कीम। एक कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन स्कीम है, उसके अंतर्गत नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। इसका टारगेट इंपॉर्टेंट है गाइस, टारगेट पूछ सकता है यूपीएससी में। टारगेट यह है कि टू अचीव 20-30% रिडक्शन इन PM10 एंड PM2.5 कंसेंट्रेशन। ध्यान देना कि PM10 है आपका, PM2.5 है, इसी को रिडक्शन की बात है, 20% to 30% रिडक्शन की बात है बाय 2024, कीपिंग 2017 एज बेस ईयर। 2017 में जितना भी था आपका पॉल्यूशन, PM10 की जितनी भी मात्रा थी, PM2.5 की, उससे 20 से 30 के बीच में, इन बिटवीन 2024 तक आपका रिडक्शन की बात की गई। इसमें आपके अलग सिटी भी स्पेसिफाई है, जैसे 102 नॉन अटेंडमेंट सिटी हो गई और ये सारी चीजें हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एक टारगेट इंपॉर्टेंट है जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है किसके द्वारा इंप्लीमेंटेड है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गाइस, एक जो आपको दिल्ली वाला रीजन मालूम है, जो NCR रीजन है, आपको मालूम होगा कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन, खासकर अगर विंटर के टाइम में, ठीक पहले आप देखते होंगे कि जो एक रेजिडुअल जो आपकी बर्निंग होती है, जो एग्रीकल्चर जो वेस्टेज होते हैं उसकी बर्निंग की वजह से काफी ज्यादा जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके पार्टिकुलेट्स आ जाते हैं आपका दिल्ली के एयर में, तो उससे क्या हो जाता है, काफी ज्यादा पॉल्यूशन होती है। तो इन सबको ध्यान में रख करके एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन टीम बनाई गई, विच वॉज नोटिफाइड इन January 2017 फॉर प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली एंड NCR। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा जो इसको इन्फोर्स कौन करेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस कि एनवायरमेंट पॉल्यूशन अथॉरिटी है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी है, EPCA, दैट इन्फोर्सेस द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। अच्छा गाइस, ये जितनी भी अथॉरिटी जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ये अथॉरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग अलग टॉपिक में कवर करेंगे। जैसे ये आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ एक्ट हो गया, अलग अलग जो भी है मिनिस्ट्री ऑफ जो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के जो अलग कंपोनेंट्स है, वो सारे हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग बस ये पता होना चाहिए कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन फोर्स किसने इंप्लीमेंट किया, इट इज इंप्लीमेंटेड बाय इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। उसी ढंग से किस रीजन में हुआ, दैट इज दिल्ली एंड NCR। ये सारा पॉइंट है, इसमें थोड़ा सा और डिटेल में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 4AQI उन्होंने कैटेगरी डाली थी, मॉडरेट टू पुअर, वेरी पुअर, सीवियर एंड सीवियर या इमरजेंसी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आप देख रहे होंगे दिल्ली का दृश्य, जब काफी ज्यादा जब पॉल्यूटेंट्स आ जाते हैं तो उस टाइम पे ये सारे मेजर्स हैं। आप लोग ये जो मेजर्स है, इसमें बहुत से मेजर्स होते हैं, आपका डीजल वगैरह कम, CNG का एक बहुत बड़ा रोल है, जो जो आपकी CNG कंप्रेस्ड जो नेचुरल गैस है उसका 2005 और जब 6 में जो हाई सुप्रीम कोर्ट ने, उसने दिल्ली कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था, उसके बाद से CNG अप्लाई करने की बात आई, काफी ज्यादा CNG, उससे काफी ज्यादा रिडक्शन आया, बट उतने लेवल पर रिडक्शन नहीं आया। अब आते हैं कुछ और जो करंट का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका एक वायु है। वायु मतलब वाइंड ऑगमेंटेशन प्यूरिफाइंग यूनिट्स, वाइंड ऑगमेंटेशन प्योरीफाइंग यूनिट है वायु। आपसे डायरेक्ट स्टेटमेंट्स देके पूछ सकता है कि भाई वायु क्या है, तो वायु क्या है, विंड ऑगमेंटेशन प्योरीफाइंग यूनिट। इट इज एन एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस विच कैन प्योरीफाई एयर इन एन एरिया ऑफ 500 meters square। तो आपका जो विंड ऑगमेंटेशन, जो आपका प्योरीफाइंग यूनिट है, ये आपका एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है, प्यूरिफाई एरिया इन एरिया ऑफ 500 meters square। तो एक डिवाइस है ये, और ये किसने डेवलप किया, तो इट इज डेवलप्ड बाय जो आपका CSIR और NIRI है, जो आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनके द्वारा ये डेवलप किया गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने फंड दिया। इस डिवाइस का जो मेन फंक्शन है वो एक थोड़ा सा ये देख लो कि विंड जनरेशन फॉर डाइल्यूशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स एंड एक्टिव पॉल्यूटेंट्स रिमूवल।
ये इनका टू प्रिंसिपल है कि जो भी एयर पॉल्यूटेंट्स डाइल्यूट्स हो रहे हैं उसके थ्रू विंड जनरेशन, इतना ही आपको जानना है। और दूसरा आपका एक्टिव पॉल्यूटेंट्स रिमूवल। इसके अलावा लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने की बात हुई है, तो उसमें लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है। उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है समीर। समीर ऐप हैज बीन लॉन्च्ड वेयर एयर क्वालिटी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू पब्लिक अलोंग प्रोविजन फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट अगेन एयर पॉल्यूटिंग एक्टिविटी। एक ऐप होता है, एक तरह से ये एयर क्वालिटी इंफॉर्मेशन बताता है पब्लिक के लिए, और यहाँ पर आप अपने कंप्लेंट को भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो समीर पूछ सकता है क्वेश्चन में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज टोरोफैक्शन। तो टोरोफैक्शन क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। ओके गाइस, मैंने अभी बताया कि होता क्या है कि जो एग्रीकल्चर रेसिड्यू वगैरह होते हैं, जैसे आप अगर खेत में जाएं जब आपकी कटाई वगैरह हो जाती है तो आपको छोटे छोटे वो स्टेबल्स वो आपको नजर आते हैं, तो उन सबको वो जानते हैं वो काफी यूजफुल हो सकता है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए इंडिया ने एक स्वेडिश टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, दैट कन्वर्ट, ये पॉइंट है आपका, राइस स्टेबल इनटू बायो कोल। बायो कोल में राइस स्टेबल को कन्वर्ट करने के लिए आपका इस ये टेस्टिंग इंडिया कर रहा है, स्वेडिश आपकी टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी क्या इन्वॉल्व करता है, हीटिंग अप जो भी स्ट्रॉ होते हैं, ग्रोसेस होते हैं, सॉ मिल होते हैं, जो भी रेसिड्यू वगैरह बचता है उन सबको एक तरह से हीट करता है अप टू 250 से 350 डिग्री तक। अब इससे क्या होता है कि जो बायोमास होता है वो एक तरह से एलिमेंट्स उसका बायोमास उसका कोल लाइक पैलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर इसको हम लोग यूज कर सकते हैं किसमें, स्टील में यूज कर सकते हैं और सीमेंट प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। तो इतना पूछ सकता है कि टोरोफैक्शन किससे रिलेटेड है, सिंपल वन लाइन में पूछ सकता है, या आपसे थोड़ा सा एडवांस में पूछेगा तो थोड़ा और अंदर भी जाकर पूछेगा कि ये बेसिकली फंक्शन कैसे करता है, राइट। तो एक तरह से कन्वर्ट कर देता है, तो ये जो भी बायोमास है वो एक तरह से कोल लाइक पैलेट्स में आ जाए, ये बायो कोल बन जाएगा, तो इंडस्ट्री अपना यूज कर सकती है लाइक स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट प्रोडक्शन। उसी ढंग से एक और चीज है, हैप्पी सीडर मशीन। हैप्पी सीडर मशीन है, ये बेसिकली पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है कोलैबोरेशन विद ऑस्ट्रेलियाई सेंटर ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च। इन सीटू मैनेजमेंट है आपका पैडी स्टेबल का, उसके लिए है ये है आप हैप्पी सीडर मशीन किस लिए है, तो इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ पैडी स्टेबल, राइट। एक और इंपॉर्टेंट है गाइस, दैट इज ताज ट्रेपेजियम जोन। तो पहले तो जान लो कि ताज ट्रेपेजियम जोन है वो क्या है। वो बेसिकली क्या है कि जैसे ताजमहल है, तो ताजमहल के जो ये मॉन्यूमेंट्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एरिया बनाया गया। वो एरिया 10,400 स्क्वायर किलोमीटर का है, ताज ट्रेपेजियम जोन। इस एरिया जैसे ताजमहल है, इसके चारों तरफ ये एरिया बनाया गया, उसको ताज ट्रेपेजियम जोन बनाया गया। इट इज एन इको सेंसिटिव एरिया हैविंग 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो इसमें आपका ताजमहल भी है, आगरा फोर्ट है और फतेहपुर सिकरी है। और ये है, इसके अलावा जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है आपका, आगरा हो गया, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस, इटावा, उत्तर प्रदेश, इन सारे डिस्ट्रिक्ट तक ये फैला हुआ है। न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो बैन लगा था कि इस पर्टिकुलर एरिया में कोई भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पर एक बैन लगा हुआ था, ट्रीज के फेलिंग्स पर बैन लगा हुआ था, उन सबको रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने लिफ्ट अप कर दिया है। तो दैट इज आपका ताज ट्रेपेजियम जोन, ये पूछ सकता है। अब एक क्वेश्चन है गाइस, ये भी क्वेश्चन करिए आप लोग, आई होप आप लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, इसको कमेंट कीजिए। इसके थ्रू एक और चीज हम लोग थोड़ा ट्रिक और देखेंगे यूपीएससी के क्वेश्चन को सॉल्व करने का।
released by the steel industry in the India. जब ये क्वेश्चन पूछा था ना तो मेजर जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ने इसका आंसर गलत किया था, बहुत से स्टूडेंट्स, क्योंकि यूपीएससी पूछती है इस ढंग के क्वेश्चंस। यूपीएससी कुछ क्वेश्चन रियली टफ पूछती है, मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स भी पूछ लेती है। तो एक और आपको फंडा बताता हूँ, इनकेस अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, मैं ये बोल रहा हूँ हमेशा अप्लाई नहीं होता है, और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आप इस ढंग के हमेशा तुक्का यूज करें, बट बाय डिफॉल्ट ऐसा पाया गया है, हमेशा नहीं कभी कभी ज्यादातर केसेस में ऐसा पाया गया है कि आपका अगर पॉलिटिक्स के बारे में पूछा है तो मोस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम वो चारों करेक्ट हो जाता है। बट ये मैं अगेन बोल रहा हूँ कि आप लोग खुद एनालिसिस कीजिए, मैंने जो ऑब्जर्व थोड़ा किया है वो, तो आप इस ढंग का मैं तुक्का लगाने को नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी इसके आंसर में अगर जो भी इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्री में आप सब कुछ मिलेगा। बहुत से स्टूडेंट को ऑक्साइड इस पर डाउट्स था, जैसे सल्फर वगैरह पे, लेकिन सल्फर भी वहां से निकलता है, राइट। तो सल्फर, नाइट्रोजन, मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सब कुछ इंडस्ट्री से आपको निकलता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा डी। अब गाइस एक आ जाते हैं जो आज का एक वो बचा हुआ है हम लोगों का बायोस्फीयर रिजर्व, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो गाइस आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं गल्फ ऑफ मनार। गल्फ ऑफ मनार की लोकेशन अगर हम लोग देखना चाहें तो ये कुछ यहाँ पर है, गल्फ ऑफ मनार, राइट। गल्फ ऑफ मनार की ये पोजिशन है, और ये आपका एक तरह से तमिलनाडु बोल सकते हो, तमिलनाडु ये जो कोस्टल एरिया है यहाँ पर है, एक तरह से ये पोर्शन एरिया बोल सकते हो गल्फ ऑफ मनार। इसके नीचे इधर आपका पाक बे, और ये इधर आपका श्रीलंका का वो है। तो ये तो आपकी लोकेशन हो गई। दूसरा हो गया कि अगर हम इकोसिस्टम टाइप की बात कर ले तो गाइस ये ट्रॉपिकल ड्राई ब्रॉड लिफ्ट फॉरेस्ट, सी वीड कम्युनिटी, सी ग्रास हो गई, कोरल रीफ, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। एक वेल स्टैब्लिश इकोसिस्टम है गल्फ ऑफ मनार। फ्लोरा की बात कर लें तो जेट्रोफा वगैरह, ग्रास वगैरह, वो सारी चीजें, और फना, हाँ ये जरूर याद रहे, सी काऊ, सी एनिमल, सी फैंस। अच्छा, मैंने आप लोगों को सी काऊ पढ़ाया था, सी काऊ क्या होते हैं आप लोग कमेंट कीजिए कि सी काऊ कौन होते हैं, सी काऊ का मतलब क्या हुआ, कोई कमेंट अगर कोई जानता हो तो प्लीज कमेंट इज कमेंट इट। मैंने अभी पढ़ाया था जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो सी काऊ के बारे में बताइए वो क्या होते हैं, दैट इज एंडेमिक फना हो गए। यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ मनार मेरिन नेशनल पार्क है और फर्स्ट मेरिन बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट मेरिन बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया है। और जो रियल की बात करें इंडो मलयालम, वहां पे फॉल करता है ये। और जो मैप प्रोग्राम है जिसमें टोटल इंडिया का बायोस्फीयर रिजर्व है 18 यस मेमल से इसका कोई और भी नाम है, एनीवन कैन कमेंट। 18 जो आपका टोटल बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें से इंडिया का, उसमें से 11 को इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मिला है, मतलब मैप के थ्रू है, मैन एंड जो प्रोग्राम है, और उसमें ये आपका गल्फ ऑफ मनार आपका इंक्लूडेड है। मेमल्स तो सही बता रहे हैं, बट थोड़ा सा और आप लोग जरूर इस पे सर्च जरूर कीजिए, क्योंकि मैंने बताया सिकाऊ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सी काउ इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक तरह से ये वेजिटेरियन, मतलब ये घास वगैरह खाता है, राइट। जैसे काउ अपना घास खाता है तो वैसे सी काउ। तो यस यस डुगोंग, यस 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 यस, आप लोगों ने बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। तो वो है, उस पर क्वेश्चन पूछा हुआ था यूपीएससी ने। तो गाइज ये आज का पूरा हो रहा, जो भी लगा आप लोग लाइक कीजिए, लोगों को और शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। फिर कल आएंगे जो अभी अभी आज हम लोगों ने एयर पॉल्यूशन पढ़ा, तो अभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वाटर प्रिवेंशन, जो कंट्रोल बोर्ड अथॉरिटी है उन सब के बारे में देखेंगे। गाइस फॉर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन अगर आप लोग लेते हैं तो प्लीज यूज कीजिए GS10 कोड, यू हैव टू गिव जस्ट 36,000, और 2 ईयर्स के लिए आपको 43,200, केवल 7,000 का फर्क है। आइए हमारे साथ जुड़िए प्लस पे, वहां पर हम लोग, क्योंकि ये लॉन्ग लॉन्ग प्रोसीजर है तो इसमें टाइम लगता है।
सो थैंक यू एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग मी. एनी डाउट्स, कोई डाउट है तो पूछिए आप लोग. एनी डाउट्स रिगार्डिंग एनीथिंग, आपको कोई डाउट्स हो किसी भी चीज से रिलेटेड पूछ सकते हैं. एनी डाउट्स? आपको जो पीडीएफ है पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी, लेट्स टैग बीसीसीएसटी टेलीग्राम, या फिर आप जी शुक्ला 10 चैनल पे आइए जो कि मेरा एक्सक्लूसिव चैनल है, वहां पे सारे पीडीएफ सारे लिंक शेयर किए जाते हैं. राइट, तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा वो लिंक. आप ये लेक्चर के शुरू में ही आपको वो लिंक दिया हुआ है. यस ऋषि, जो भी आपका एक्सपीरियंस हो यू कैन शेयर. आप कोई सजेशन हो या कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं, आप मेरे को टेक्स्ट करके भी पूछ सकते हैं. सो एनी डाउट्स? डाउट्स ना हो तो फिर हम लोग आज क्या लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं. ओके एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी. कल शाम को 6 to